नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शिवम धाकर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में महिंद्रा का जो पावर प्लस ट्रैक्टर है, भूमिपुत्र 585 DI जो कि 52 हॉर्स पावर में आता है और 4 सिलेंडर का इसमें इंजन है, ये चल रहा है हड़म्बा थ्रेसर कटर मॉडल जो कि रॉयल इंजीनियरिंग मनोहरपुरा की बनी हुई थ्रेसर है, इस पर चल रहा है। और इसकी जो PTO का जो HP है किसान भाई, वो 46 HP का PTO इस ट्रैक्टर का, और जो कि काफ़ी शानदार तरीके से कटर मॉडल थ्रेसर चला रहा है ये। अभी मैं इसका आपको RPM भी दिखा दूंगा कि कितने RPM चल रहा है। मसूर की फसल है, वो निकाल रहा है मसूर की। और ये जो ट्रैक्टर है, ये नॉन टर्बो इंजन के साथ आता है। वहीं पर अगर इसकी बात करें हम कटर मॉडल थ्रेसर की, तो ये जो थ्रेसर है, ये भी इन भाई ने पुरानी ली थी राजस्थान से, जयपुर से। उसके बाद बहुत शानदार थ्रेसर है, और एक घंटे में लगभग ये 12 बीघे की जो मसूर की फसल है वो निकाल देती है। भूसा भी काफ़ी शानदार तरीके से बनाती है। ट्रैक्टर है जो कि काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है ये, देख सकते हो कोई RPM ड्रॉप नहीं कर रहा है। 1200 RPM पर ट्रैक्टर चल रहा है, 1200-1300 RPM पर। ये जो ट्रैक्टर है, ये नॉन टर्बो इंजन में ट्रैक्टर दिया गया है, कोई इसमें टर्बो नहीं लगा हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, और काफ़ी शानदार तरीके से ट्रैक्टर चल रहा है। कोई लोड नहीं मान रहा है, ना धुआं दिखा रहा है, आप देख सकते हो। और जो थ्रेसर है, ये लगभग उन्होंने 100 घंटे सोयाबीन के सीजन में चलाई, और लगभग अभी सीजन में अच्छी चलेगी ये। एक घंटे में लगभग 20 क्विंटल गेहूँ निकाल देती है, और मसूर की बात करें तो इतनी ही मसूर निकाल देती है, बाकी सब अलग अलग फसलों के ऊपर है। एक नंबर। और ये जो ट्रैक्टर है, ये लगभग 3 लीटर डीजल में 1 घंटे चलता है, 3 लीटर का एवरेज देता है ये। और इसमें 3 स्पीड गियर बॉक्स दिए गए थ्रेसर में, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से कार्य करता है। यहाँ पर अभी थोड़ा RPM ड्रॉप कर रहा है ट्रैक्टर, जो कि थोड़ा फसल गीले होने के कारण RPM ड्रॉप कर रहा है। ये देख सकते हो आप, इसका जो पीछे का जो परनाला है बहुत चौड़ा है, गाला भी बहुत ले रही है मशीन। इसमें 7 आदमी की ज़रूरत रहती है अच्छी, अगर फसल रहे और अगर ट्रैक्टर को हम 1500 RPM पर चलाएं तो। काफ़ी शानदार मशीन है ये, देख सकते हो। और मसूर भी काफ़ी शानदार तरीके से निकाल रही है। उम्मीद है किसान भाइयों, ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाले घंटी के बटन को ज़रूर से दबा दें।